أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. महतरम सामने कराम, ये सूरह आल इमरान उसका 11वां रुकू है जो मैंने आपके सामने तिलावत किया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला इमरान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। है लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़्वा इख्तियार करो जैसा कि इसके तखवे का हक है, और तुम ना मरो मगर ऐसी हालत में कि तुम फर्मबरदार हो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, और सब के सब अल्लाह के अहद को मजबूत पकड़ लो और तफरीका न करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम बाहम दुश्मन थे फिर इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी तो तुम इसकी नेमत से भाई भाई हो गए। तो ये अल्लाह ताला इत्तेहाद मुसलमानों का किस तरह होना चाहिए और किस बिना पर होना चाहिए, ये अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है, और इत्तेहाद होने की बुनियाद क्या है वह भी अल्लाह ताला बयान फरमाया कि मुसलमानों का इत्तेहाद किस बिना पर और किस काम के तहत होता है। तो आखिरी आयत जो मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रखे, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहउना अनिल मुनकर व उलाइकुमुल मुफ्लिहून। तो ये सबसे बड़ी वजह है इत्तेहाद की, और बुनियाद है इत्तेहाद का कि तुम में एक जमात ऐसी हो जो मुनकरात से बचाती रहे और मारूफात यानी नेकियों का हुक्म करे, अमर करती रहे, और अल्लाह पर ईमान रखने वाले, और वही कामयाब हैं। क्योंकि मुसलमानों की बुनियादी अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर चलने में कामयाबी है। तो यहाँ पर तक्वा या यहलज़ आमनतक़ुल्लाह, अल्लाह का तक्वा, तक्वे के बहुत से माने मफाहिम हैं। तक्वा अल्लाह से डरने का नाम भी तक्वा है, और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना और अल्लाह के अहकाम पर चलना और उसकी ज़ात में ढल जाना यानी उसके औसाफ इख्तियार करना, उसके रंग में रंगीन हो जाना, ये जो है अल्लाह का तक्वा है। यानी तक्वे के माने यह है कि अल्लाह के मुकम्मल ताबे हो और अपने नफ्स को ख़त्म करे और ख्वाहिशात को मिटा कर अल्लाह के अहकाम को अपने ज़िंदगी का मकसद बना ले, ये जो है दरहक़ीक़त तक्वा है। और बार बार कुरान करीम में तक्वे का जिक्र आता है, जहाँ भी जैसे रोज़ों को अल्लाह ताला फ़र्ज किया, अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज किए हैं, इससे पहले उम्मतों पर भी हमने रोज़ों को फ़र्ज किया था
ताकि तुम मुत्तकी बनो, तक्वा इख्तियार करो। तो तक्वा एक ऐसी बुनियाद है कि इंसान अपने दिल को पाक करने के लिए और दिलों की अंदर की जो गंदगी, अंदर की जो नापाकी है, उसको निकालने के लिए इंसान तक्वे पर आना बे इंतहा ज़रूरी है। और तक्वा ही है जो इंसान को अंदर और बाहर से नेक और पाक और मुज़क्कर यानी मुज़क्की बनाता है, यानी उसके अंदर बहुत ही कमालात और ख़ूबियाँ पैदा करने वाला है। ये सिर्फ तक्वा है। तो या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो, हक़ तुक़ातिही, जैसे कि उसके तक्वे का हक़ है। यानी जैसे का मतलब एक अल्लाह के जैसे अहकाम हैं उसी पर पूरा पूरा अमल पैरा होना, गामजन होना। वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और ना मरो मगर मुसलमान बनकर, ईमान वाले बनकर मरो। ये बहुत बड़ी खूबी है कि इंसान दुनिया में बहुत बज़ाहिर तौर पर मुतशर्र नज़र आता और बहुत ही नेक पाक पाक लिबास पहनकर, पाक जो है ना बातें करके, बहुत जो है साफ साफ गोई से और साफ जो है ना अल्फाज में लोगों को अपना मुती बना लेता। लेकिन अगर दिल पाक ना हो, उसका अगर कल्ब पाक ना हो, तो उसके सारे बातें बेकार हैं, अल्लाह के पास उसका कोई वज़न नहीं है। इसलिए एक शायर कहते हैं कि इल्म के बहर में गोते लगाने से जबां गो साफ होती है, दिल तायर नहीं होता। इल्म के बहर में इंसान जो है ना गोते लगाता और जो है बहुत से अल्फाज सीख लेता, और ऐसे अल्फाज का जो है एक ऐसा मंडवा बना देता, एक अल्फाज का एक ऐसा महल बना देता कि आदमी उसको देखकर गिरविदा हो जाते उसके, लेकिन उसके दिल जो है इखलास से खाली होते और इसके दिल में पाकी नहीं होती और उसके दिल में खुदा से मोहब्बत नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर हक़ तुखाती ही जो अल्लाह ताला फरमा रखे, जैसे उसके तखवे का हक़ है, जैसे तखवे का हक़ से मुराद जो है अहकाम इलाही को पाबंदी करने के लिए, अहकाम इलाही को इख्तियार करने के लिए कोई चीज़ बड़ी सी बड़ी चीज़ भी है आपके आपके आड़ ना आए और आपके मुकाबले में ना आए, बल्कि हर चीज़ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना, ये तकवा है। और ऐसे कांटे इतने जो है जैसे खारदार झाड़ी में से जा रहे, तो इंसान जैसा अपने दामन को बचाते हुए जाता है, ऐसा दुनिया के अंदर खारदार से मराद ऐसे लोग जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अजियत देने वाले हैं और आपको जो है अपने आपके काम से रोकने वाले हैं, तो अल्लाह के काम को जब इख्तियार किए तो किसी की परवाह ना करे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, यानी औलिया अल्लाह की पहचान ये है कि वो किसी से डरने वाले नहीं होते और कोई उनको दबा नहीं सकता, ना उनको नुकसान पहुंचा के दबा सकता है और ना उनको जान से जो है कत्ल करने का उनको कोई धमकी देकर, कोई उनको अल्टीमेटम देके उनको जो है खौफजदा कर सकता है। उनको ना खौफ होता है और ना गम होता है, ये दोनों से भी मुबर्रा होते हैं, ये वली की पहचान है। तो इस वजह से अहकाम इलाही की पाबंदी करने के लिए इंसान को बहुत से रुकावटें आते, बहुत से ऐसे हदबंदियाँ पैदा होते जिसकी वजह से इंसान हक काम करने के लिए उसको बहुत तकलीफ और जो है हालात ऐसे मजबूर कर देते कि आदमी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करके बैठ जाता और जो है उसको काम करने के लिए समझ में नहीं आता। तो ऐसे वक्त अल्लाह ताला ने फरमा रहा है कि जब हक तुम्हारे साथ है, हक का तुकाती ही, जब जो है ना जैसे तकवे का हक है इस तरह उसके तकवे का हक है, इस तरह जब आप मैदान में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर अल्लाह आपका मददगार है। और अल्लाह जो है मोमिनों की मदद करने के लिए हर वक्त जो है अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है और मोमिनों की कभी नाकामी नहीं होती। अगर वो बज़ाहिर तौर पे हार भी गए तो अल्लाह बराबर उनको जो है कामयाबी का सहरा पहनाता और कामयाबी दिखा देता, और उनके जो अजायम है और उनकी जो तड़प है उसको अल्लाह ताला दुनिया में गालिब करके बताता। जैसे हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बज़ाहिर तौर पर आप नाकाम होते हुए नजर आए, दुनिया को यजीद कामयाब होता हुआ नजर आए, लेकिन चंद दिनों के अंदर यजीद की जो है तमाम ऐसी नस्ल और यजीद के तमाम ऐसे खसलत रखने वाले वो सब तबाह ताराज हो गए। और इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जज्बा था, आपकी जो सदाकत थी,
वो बराबर गालिब आई, इसलिए कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन का कत्ल इमाम हुसैन का कत्ल नहीं है बल्कि यजीदियत का कत्ल है, बुराइयों का खात्मा है, क्योंकि हक जो है वो हर आन गालिब आने वाला है और कोई किसी बड़ी से बड़ी ताकत के दबाने से दबने वाला नहीं है। तो इस वास्ते इंसान तकवे पर रहे, तकवा बहुत बड़ा जौहर है और तकवा अख्तियार करने से ही इंसान की कामयाबी है। वला तमुतुना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, कि तुम जो है मुसलमान हो के मरो, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हम इस्लाम की अगर खिदमत करेंगे और जो है हमें जो मसायब आए हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें आए हैं, तो वो जो है उससे छुटकारा मुमकिन नहीं है, लिहाजा दौलतमंद लोगों को पकड़ो या जो है किसी हाकिम को पकड़ो, हाकिम के जो है उसके तरफदार बन के रहो, उसकी तरफदारी करो। ये ऐसी चीज़ें जो है इंसान के अंदर पैदा होती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हवस छुप छुप के बना लेती है तस्वीर, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, बड़ी मुश्किल से होती है बराही में नज़र पैदा। बराही में नज़र पैदा होना यानी इखलास पैदा होना और नेकी पैदा होना, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी जो है ना मेहनत के बाद ये चीज़ ईमान की जो है ईमान की चीज़ पैदा होती है। तो सहाबा इकराम का सबसे बड़ा जौहर यही था कि लाख मसायब आने के बावजूद भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़े और इस्लाम के कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहे। मुख्तसर खलील जो है ना तादाद में मुसलमान थे, लेकिन अल्लाह ताला बड़े बड़े ताकतों की परवाह नहीं किया और जो सहाबा इकराम है दाई इस्लाम मुबल्लिग़ इस्लाम, तो इनको जो है गालिब करके बताया। तो वला तमुतुना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, क्योंकि हालात भी ऐसे आ जाते हैं बज़ाहिर तौर पर आदमी को जो है ना बहुत परेशानी पशेमानी हो जाती है, क्योंकि सारे लोग जो है उनको डराने वाले धमकाने वाले आते हैं, तो वक्तिया तौर पर आदमी जो है ना कुछ पशेमान हो जाता या परेशान हो जाता और जो है उसको हैबत तारी हो जाती कि मैं तो हक का काम करने के लिए उठा हूँ लेकिन सामने वाली ताकतें जो है ना मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो ऐसे हालत में अल्लाह ताला बयान फरमाए कि वला तमुतुना, तुम मत मरो मगर मुसलमान बन के मरो, मगर ईमान की ताकत जो है तुम्हारे अंदर कम नहीं होना चाहिए और तकवे की ताकत आपके अंदर कम नहीं होना चाहिए। हजरत अली करम अल्लाह वजह आप फरमाते हैं कि जब आप पर खातिलाना हमला हुआ और जब आप बिस्तर मर्ग पे थे, आप जो है कुछ लम्हों में इंतकाल होने वाला था, दो तीन दिन आप बिस्तर पर रहे और 19 रमज़ान को आप पर हमला हुआ, 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त जो है आपकी शहादत से पहले आप फरमाते हैं कि मैं आज कामयाब हुआ। तो लोग पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के आप जो है ना दर खैबर उखाड़े, और ये नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हुआ और मरहब जैसे बहादुर को पछाड़ दिए और उसको कत्ल कर दिए, आप उस वक्त नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हुआ और बड़े बड़े मार्के आप जो है मैदान में कामयाब हो के आए, बड़े बड़े मार्कों में शरीक रहे, आज जो है आप बिस्तर पर हैं और आपकी शहादत करीब है, आप इस वक्त कह रहे हैं कि मैं कामयाब हुआ। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि नहीं मालूम कि इंसान कब इस्लाम से फिसल जाए और कब मुनाफिक बन जाए और कब जो है वो इस्लाम से पलट जाए। अगर वो आखिरी सांस तक इस्लाम पर कायम है तो वो कामयाब है, कि आदमी जो है दरमियान में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फाते बन जाते और बड़े जो है ना मुल्क ममालिक भी जो है फतह कर देते लेकिन बाद में पलट जाते और ऐसे जो है जो दुश्मनान इस्लाम के साजबाज हो जाते और उनके अंदर जो है इस्लाम से नफरत पैदा हो जाती। तो ईमान को जो है बचाए रखना और ईमान पे कायम रहना बहुत बड़ी बात है। तो अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि कामयाब वो है जो ईमान पर मरे, ईमान पर जो मरने वाला है वो कामयाब है। इस वास्ते जो है दुआ में भी यही बताया जाता है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम में पैदा कर और ईमान पर हमारा खात्मा कर, इस्लाम पर जो है ना हमें इस्लाम में पैदा कर, इस्लाम दे, इस्लाम की नेमत जो है ना हमें अता कर और हमारा जब दम निकले, हमारी जब सांस निकले तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। तो ये जो है सबसे बड़ी कामयाबी है। आप जो है कोई ममालिक फतह करने वाला है या जो है कौमों को मुसलमान करके इस्लाम का जो है ना झंडा लगाने वाला है, बहुत बड़ा मखरीर है, बहुत बड़ा मुजाहिद है, सब कुछ है, लेकिन आखिरी वक्त अगर वो जो है ईमान से फिर जाए, इस्लाम से फिर जाए और जो है वो उसके अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो, तो वो जिंदगी बिल्कुल बेकार है और कामयाब नहीं है। जो है अल्लाह ताला फरमाने के वाला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून।
और इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकु। ये बहुत बुनियादी आयत है, इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद है ये आयत कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को तुम सब मजबूती से पकड़ो, तुम सब मिलकर मजबूती से पकड़ो। ऊपर अल्लाह ताला ये बयान फरमाए कि वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, कि तुम मत मरो मगर मुसलमान बन के मरो। और इससे पहले फरमाया कि आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, अल्लाह का तखवा इख्तियार करो। तो अल्लाह का तखवा इख्तियार करना और इस्लाम पर रहना ये उसी वक्त मुमकिन है जब वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को हम मजबूती से पकड़े। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कलामुल्लाह, कुरान। खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजह से रिवायत है, किताबुल्लाह फीही नबाउम मा कबलकुम व खबरु मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजह से रिवायत है, ये मरवी है ये हदीस। तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किताबुल्लाह फीहिन, यानी जो है तुम किताबुल्लाह यानी कुरान करीम को जो है ना पकड़ो, नबाउम यानी इसके अंदर खबर है, मा कबलकुम जो तुम्हारे तुमसे जो पहले जो हालात गुजरे उसकी खबर जो है कुरान करीम में मौजूद है, खैर खबर मा बादकुम और बाद की आने वाली खबरें इसके अंदर मौजूद है, वह मा बैनकुम व हब्लुल्लाहिल मतीन, और तुम्हारे दरमियान जो भी हालात पेश आने वाले हैं उसका इलाज इस कुरान करीम में कलाम पाक में मौजूद है। इसलिए कुरान सबसे बड़ी दौलत है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुरान में हो गोता जनाए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। कुरान में डूब जाओ, कुरान करीम के हकायक को जो है कुरान करीम की मारिफत को समझने की कोशिश करो, कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और दुनिया में कुरान के पैगाम को फैलाओ। ये जो है कुरान करीम से बढ़कर या कुरान करीम से हटकर कोई दुनिया में ऐसी मुकद्दस किताब नहीं है जो सारे इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने वाली है। सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान सिर्फ कुरान की वजह से आज जो है मुत्तहिद हैं, सारी दुनिया के मुसलमान। हालांकि दुनिया के अंदर इंसान अलग अलग जो है ना मुल्कों में बसते हैं, अलग अलग जुबान में बात करते हैं और एक दूसरे के रिश्ते नाते से कोई ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे के हाल खबर से कोई जो उनको जो है ना खबर नहीं है कि किस मुल्क के मुसलमान कैसे कल्चर वाले हैं और कैसे लबो लहजे वाले हैं, ये जो है ना किसी को नहीं मालूम। लेकिन कुरान करीम सारी कायनात के जितने भी मुसलमान हैं, शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जितने दुनिया में फैले हुए मुसलमान हैं, सब के हाथों में कुरान एक है। यह अल्लाह का सबसे बड़ा मौजूदा है कि एक जेर जबर कुरान पाक का अल्लाह जो है वो जेर जबर उसको जो है मिटने नहीं दिया और जेर जबर बदल नहीं सके सारी दुनिया की ताकतें। हालांकि एक मामूली अगर कोई किताबचा छापते हैं तो रिप्रिंट में कई जो है ना गलतियां आ जाते हैं और उसको महफूज कर नहीं पाते, लेकिन इतना बड़ा कलाम अल्लाह का ये सारी कायनात के इंसानों के हाथ में, शिया हो या सुन्नी हो या कोई और जो है ना अहले हदीस हो, चकराली भी हो, देवबंदी हो, किसी भी मकतबे फिक्र का अगर मुसलमान है तो उसके हाथ में कुरान एक है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि कुरान की बुनियाद पर तुम एक हो जाओ। कुरान सारे मुसलमानों को एक करना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। और इससे पहली आयत जो कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमाया इससे पहले के रुकू में, इन्ना अव्वल बैतिन वज़िया लिन्नास अल्लज़ी बिबक्कत मबारकुम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का ये घर काबतुल्लाह हुदल लिल आलमीन है, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, उसमें निशानात और बयानात है। तो यही जो है सबसे बड़ी निशानी है कि सारी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काबतुल्लाह की सरजमीन पर मुत्तहिद होकर एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो किसी मकतबे फिक्र को शिया हो, सुन्नी हो और देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम जो है मकातिबे फिक्र के मुसलमान जो है वो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी इस्लाम के अंदर है, किसी मजहब में अल्लाह ताला ऐसी खूबी नहीं रखा। इस्लाम से आने से पहले जो कौमें थे आज वो जो है इख्तलाफात में बढ़ गए, बहुत जो है ना तफरीक़े उनके अंदर पैदा हो गए, लेकिन इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला एक रूह जो है ना बाकी रखा। इस्लाम के अंदर ये सबसे बड़ी रूह है, कुरान करीम भी रूह बन के आया, वाहना अलैका रूह मिन अमरिना। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर रूह को उतारा, रूह को हमने वही किया, वाहना अलैका रूह मिन अमरिना। तो वातसिमु बिहब्लिल्लाह, इस कुरान करीम को मजबूती से पकड़े सारी दुनिया के मुसलमान। और कुरान करीम ये कहता है
कि वह सम्माकुम मुस्लिमीन, तमाम जो है मतलब किसी फिरके का नाम कुरान करीम में अल्लाह ताला ऐलान नहीं किया, बल्कि तमाम मुसलमान जो कुरान करीम को मानने वाले हैं सबको अल्लाह ताला कुरान करीम में मुसलमान मुसलमान कहा, वह हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन। तो इस बुनियाद पर अगर मुसलमान एक हो, कुरान करीम सबका एक है, तो ये कदर मुश्तरक है, यानी जो है तमाम मकातिब फिक्र का, तमाम जो है जितने भी फिरके हैं उन फिरकों का मुत्तहिद और जो है जो उनका नुक्ते वहदत जो है वो कुरान पाक है, सबके हाथों में मौजूद है। तो इस बुनियाद पर अल्लाह ताला फरमाते कि ये मजबूती से पकड़ो और इसी बुनियाद पर एक दूसरे को भाई कहो। लेकिन आज जो है अलमिया ऐसा है कि बावजूद कुरान करीम पढ़ने के, सिर्फ कलमा सहाबा इकराम के दौर में वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, सिर्फ वो मुसलमान हुए, कलमा पढ़े तो मौजूद हो गए, और तुम ख्वार हुए तारीख के कुरान होकर, कुरान करीम के इस पैगाम को छोड़ दिए मुसलमान और जो ना ख्वार हो गए। यानी बज़ाहिर तौर पे तो कुरान है लेकिन अहकाम कुरान उनके पास नहीं है, कुरान करीम के अहकाम पर चलने की सकत उनके अंदर नहीं है, तफरीक़े जो है ना आपस में पड़ गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया कि वला तफरकू, तफरीका मत डालो। ये तफरीका जो है ना सबसे बड़ा गुनाह है, फिरका अंदर जो है ना फिरके बनाना, तफरीके बनाना और इख्तलाफ, क्योंकि इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफात जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इख्तलाफ उम्मत रहमतुन, मेरी उम्मत के इख्तलाफ रहमत का बास है। इख्तलाफ अलग चीज़ है, तफरीका अलग चीज़ है। जो है इख्तलाफ जो है इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफ और फिरका जो है, फिरके से क्या होता है जमात के अंदर फूट पड़ जाती, दो ग्रोह बन जाते तफरीके से। इसलिए अल्लाह ताला जो है फरमाता है कि वाला तफरकू, तफरीका मत बनाओ, फिरका बनाकर जो है जो तबाह बर्बाद हो जाते। तो तफरीका जो है, तफरीका और इख्तलाफ उसको कहते हैं कि इख्तलाफ जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरी एक राय है और मेरे जो सामने वाला है फरीक सानी उसकी एक जो है ना राय है, लेकिन जो है यहाँ पर इख्तलाफ जो है अगर कोई सामने वाला अच्छी बात बता दे मशवरे में, जैसे राय मशवरा होता है, राय मशवरे में हर एक अपने अपने जो है ना मशवरे अपने अपने राय जो है ना देते हैं, तो अगर राय सामने वाले की पसंद आए तो अपने इख्तलाफ को छोड़ दे और उसको दर्द दिल के साथ, खंदा पेशानी के साथ सामने वाले की राय को कबूल करे, ये जो है ना इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय। लेकिन फिरका ऐसा नहीं है, फिरके में हसद होता है, फिरके में सामने वाले से दुश्मनी पैदा होती है। फिरका जो है ना अगर सामने वाला वो हक की भी बात करे, कुरान भी बोले और जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान भी सुनाए, तो ये सुनना नहीं चाहता, ये उसको काटने की कोशिश करता, ये इसको डायनामाइट करने की कोशिश करता, ये सबसे बड़ा गुनाह है। सहाबा इकराम में इख्तलाफ थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का एक जो है मशवरा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का एक मशवरा था, तमाम जो है ना सहाबा इकराम अपने अपने मशवरे देते थे, लेकिन जो सबसे अहम जो है ना किसी की अगर बात किसी की जबान में आए, किसी की जो है ना अल्लाह ताला किसी के दिल में ऐसी बात डाल दे, तो वह सब जो है ना उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब जंगे उहद को जा रहे थे, जंगे उहद में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशारत हुई कि आप जो है ना मदीने में रहकर लड़ेंगे, उसके बावजूद भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मशवरा करने के लिए बुलाए, और मशवरा करने के लिए जब सहाबा इकराम बैठे तो वो जो है जब मशवरा करे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम जो है ना जंग मदीने में रह के लड़ेंगे या जो है ना मदीने से बाहर जाके लड़ेंगे। अब सहाबा इकराम जो है जंगे बदर जो है ना जीत चुके थे और बहुत जो है ना जोश और जज्बा भी था, काफिरों की जो है उनके मुकाबले में जो है जंगे बदर में जीतने के बाद, और वो काफिर जो बड़ी तादाद में आके मुसलमानों का मुकाबला करे थे, उससे सहाबा इकराम को एक जो है ना गुस्सा भी था। इस वजह से जो है सहाबा इकराम ये मशवरा दिए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है ना बहुत ताकतवर है, अल्लाह हमारे साथ है, हम अंदर जो है ना मदीने में रह के क्यों लड़ें, हम बाहर जाकर लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे। हालांकि सहाबा इकराम का जो जज्बा था वो इस्लाम की मोहब्बत का था, ये नहीं था कि सहाबा इकराम जो है कहीं वहां पर जो है मुसलमानों का नुकसान करने के लिए मशवरा नहीं दे रहे थे, मशवरा ये दे रहे थे कि हम जो है हम बहादुर हैं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, बदर का मैदान जो है ना हम पता कर चुके हैं, यहाँ से मदीने से 150 किलोमीटर दूर जाकर हम लड़े हैं, तो हम जो है ना मदीने में क्यों बाहर जाकर लड़ेंगे, उहद भी जो है 1-2 किलोमीटर का फासला है उहद का मैदान। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बशारत को जो है ना छोड़ दिए और सहाबा इकराम का जो मशवरा था उस मशवरे को कबूल करे, कबूल करके आप जो है ना जाएंगे उहद में, वहां गए और वहां जाने के बाद नुकसान हुआ कि सहाबा इकराम बहुत से 72 सहाबा जो है ना शहीद हुए
और जो है ना एकदम फतह हुई थी तो वो शिकस्त में बदलने लगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा इकराम जो मशवरा दिए थे उस मशवरे को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदने की बल्कि जो है ना उसकी मुखालिफत नहीं की है। ये मशवरा जो है ना नेक नियति से दिया जाता है और सब जो है ना क्योंकि सब जज्बे में थे सबको पसंद आया कि हम बाहर बाहर जाकर लड़ेंगे, हम बहादुर है, इस्लाम के लिए कुर्बानी देंगे, इस्लाम के लिए जान देंगे, इस्लाम के लिए जान लुटाएंगे, ये जज्बा था सहाबा इकराम का। तो इख्तलाफ जो है ये जब कोई बड़ा जो है ना मशवरा आता है, कोई बड़ी बात अहम बात जो सबके जो है ना मफाद की हो सबके फायदे की हो तो उसको सरेखम तस्लीम करना ये इख्तलाफ है। और फिरका क्या है, आप कितनी ही अच्छी बोलो, अब मिसाल के तौर पर जो है देवबंदियों में कितने भी अगर नेक लोग हो तो बरेलवी कभी जो है ना उनके नेकियों को कबूल नहीं करेंगे, और बरेलवी में कितने भी बड़े बड़े मुअज्जिज़ नेक मुत्तकी परहेजगार हो वो कभी जो है ना देवबंदी उसको कबूल नहीं करेंगे, ये अलमिया है। हालांकि वो कुरान पेश कर रहे हैं, नेक जो है ना काम पेश कर रहे हैं और कुरान का फरमान को जो है ना सामने रख रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ जो है ना इस तरह बढ़ गया और जो है ना तफरीका इस तरह बढ़ गया है कि वो अगर अल्लाह का आसमान से फरिश्ता भी अगर बनकर जो है ना सामने नाजिल हो जाए तो जो है ना देवबंदी कभी बरेलवी को नहीं मानेंगे, बरेलवी कभी देवबंदी को नहीं मानेंगे, ये चीज है। हालांकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मनफियत एक है इस कौम का नुकसान भी एक, हमारा फायदा एक है नुकसान भी एक है। जब जो है कोई कलमा पढ़ता है तो हर फिरके का जो है ना उसमें नंबर बढ़ जाता है, हर फिरके के लोग जैसे आप जो है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, किसी भी आप मकतबे फिक्र से किसी भी जो है ना मुसलमान से पूछिए कि हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं तो वो धड़ल्ले से फौरन जो है ना कह देगा कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़ है, गवर्नमेंट तो 17-18 करोड़ 20 करोड़ बताती है, लेकिन जो है ये 30 करोड़ 40 करोड़ तक जो है ना मुसलमान मुबालिगे के तौर पर बोलते हैं। आप जो है ना उनसे पलट कर पूछिए अगर सुन्नी बोल रहा है तो क्या सारे सुन्नी है हिंदुस्तान में, 25 करोड़ के सारे सारे सुन्नी है, 30 करोड़ सुन्नी है, या देवबंदी है, या एहलेदीस है, चकराली भी है। जब जो है मेजोरिटी बताने की जब जब बात आती है तो सारे मुसलमानों को अपने समझते हैं और सारे मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं। तो मुनफियत एक है इस कौम का नुकसान, मुनफियत जो है हर फिरके वाले मुसलमान करें, बरेलवी भी जो है ना बहुत से गैर मुस्लिमों को इस्लाम की बात सदाकत समझा कर मुसलमान कर रहे हैं, देवबंदी भी कर रहे हैं, एहलेदीस भी कर रहे हैं, और जो है ना दूसरे जमात इस्लामी वाले भी जो है इस्लाम फैला रहे हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ा रहे हैं, तमाम जो है ना मकातिब फिक्र के लोग मुसलमान करके इस्लाम जो है ना कलमा पढ़ा के उनको मुसलमान बना रहे हैं, और वो जो है जब स्टेज पर आते हैं मैदान में कलमा पढ़ते हुए आते हैं तो सारे फिरके के लोग जो है ना उसको तस्लीम करते हैं कि भाई कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया, अल्लाह का जो है ना अल्लाह की हिदायत उस पर हो गई। लेकिन जो ही जो है ना करीब जाकर जब फिरका देखते तो उसके बाद जो है उनके चेहरे जो है अलग अलग हो जाते। तो मुनफियत जो है एक है, हर फिरके वाला जब मुसलमान कर रहा है तो मेजोरिटी किसकी बढ़ रही है, इस्लाम की बढ़ रही है। नुकसान भी एक, नुकसान ये कि जो है सामने वाला दुश्मन वो ये नहीं देख रहा है कि ये सुन्नी है या देवबंदी है या बरेलवी है या चकड़ालवी है या अहले हदीस है, वो सिर्फ जो है ना सर पे टोपी देखेगा, चेहरे पे दाढ़ी देखेगा, या जो है ना उसका नाम पूछेगा कि अगर कोई नाम मुसलमान है और जो है ना याकूब है, दाऊद है, इब्राहिम है, तो वो जो है ना फौरन ये मुसलमान है समझकर उसको कत्ल कर देगा, तकलीफ देगा, जो आज जो है दुनिया के अंदर हो रहा है। तो यहां पर फिरका नहीं पूछा जाता, इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वाइज तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। वाइज की नजर में तो एक फिरके वाला एक जो है काफिर है, मुसलमान नहीं है सामने वाला, लेकिन जो है काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। एक काफिर जो है अगर 72 फिरके के मुसलमान किसी महल्ले में जाए सबको जो है ना वो मुसलमान मुसलमान कह के पुकारेंगे, सबको मुसलमान बोलेंगे। तो ये जो है 33, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो 33 करोड़ देवी देवता के पूजा करने वाले पुजारी है और सब जो है ना एक हो चुके हैं, और मुसलमान जिनका अल्लाह एक है, जिनका रसूल एक है, जिनकी किताब एक है, जिनका दीन एक है, जिनका क़िबला एक है और जिनका ईमान उम्मत एक है, उम्मत मुस्लिमा, ऐसे 700 उसूल हैं जिसमें सारे मुसलमान मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं कि जो है ना किसी के पास 2 कुरान नहीं है, किसी के पास 10 टाइम की नमाज नहीं है, ये सारे जो है मुसलमान इस बात पर बुनियादी तौर पर मुसलमान मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, चंद जो है ना फ्री मसाइल के अंदर मुसलमान बटे हुए हैं। तो ये जो है आज मुसलमानों के अंदर ये चीज पैदा होना चाहिए, और जहां भी फसाद हो, जैसे गुजरात में फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, अब बर्मा में जो है ना फसाद हुआ, कई मुसलमान जो है ना कत्ल हुए,
तो हर मस्जिद में ये मुसलमान जो है ना दुआ करते हैं, हर मस्जिद में बिला तफरीक फिरका हर मस्जिद में जो है ना दुआ किए कि आए अल्लाह हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। सिर्फ दुआ ही नहीं किए बल्कि जो है ना रिलीफ फंड उनके लिए जो है ना इमदादी जो है ना पैसा माल मता उन तक भेजा कर जो है ना तकसीम किए, अहले हदीस वाले भी तकसीम किए, सुन्नी जमात भी तकसीम किए, देवबंदी भी तकसीम किए, जमात इस्लामी वाले भी तकसीम किए। तो सब जो है फिर वहां पर ये फिरका फिरका पूछ के जो है ना कोई अनाज तकसीम नहीं किया, पैसा तकसीम नहीं किया, और दुआ जो किए जो है फिर हमारे सिर्फ सुन्नियों पर जुल्म हुआ इसलिए दुआ नहीं किए सारे उम्मत में। तो यहाँ पर तमाम इंसानों को मुसलमानों को मुसलमान समझ रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है बुनियादी तौर पर तमाम मुसलमान कलमा पढ़ने वाले को कुरान जो है ना हाथ में पकड़ने वाले को अपना भाई समझती है, इस्लाम यही कहता है। लोग जो है अपने लफाजी जो है तकारीर में या जो है लच्छेदार बातों में मुसलमानों को तफरीकों में बांट देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कफर मुस्लिम फहुवा काफिर, अगर कोई कलमा पढ़ते हुए मुसलमान को कोई काफिर कहता है तो वो कुफर उस पर लौटता है। और मन सला सलातना व कल जबीहतना, और वो जो है जो हमारी तरह नमाज पढ़े और हमारे क़िबले की ताज़ीम करे और हमारा हमारा ज़बीहा खाए तो वफ़ा हुआ मुस्लिम व मुसलमान है। ये चीज है, यह रूह मुसलमानों में पैदा होने की जरूरत है, फिरकेबाजी को खत्म करने की जरूरत है, और कुरान की बुनियाद पर कुरान के अहकाम पर सारे मुसलमान इकट्ठा होने की जरूरत है। और इकट्ठा होने की सूरत की क्योंकि काम नहीं काम नहीं सो हजाम बिल्ली का जो है ना सर सर मंडाते बैठा, तो इस तरह जो है मुसलमान के हाथ में काम नहीं है फिरकेबाजी का काम। सबसे बड़ा काम जो अल्लाह ताला इसमें बयान फरमाया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदउना इलल खैर, तुम्हारा जो है ना सबसे बड़ा काम और जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाए, मारूफात का अम्र करे, अमर बिल मारूफ। अमर क्या है, मारूफ क्या है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो उनके पास उनके पेशिन गोए में उनकी किताबों में छुपे हुए हैं, लेकिन जो है कोई बताने वाला नहीं है, उनको समझाने वाला नहीं है। मुनकिरात तुम्हारे आंखों के सामने जो है ना बुराई हो रही है, बुतपरस्ती हो रही है और जो है गुनाह हो रहे हैं, और मुसलमान अपने कारोबार में अपने धंधों में अपने जो है ना तिजारत में मशगूल है। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ज़ानूदिया लिस्सलात मियाम अल-जुमअत फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, तुम जो है जब निदा देने वाला निदा दे, जुमा सिर्फ जो है ना 8 दिन में दिन आने वाला जुमा ही नहीं है बल्कि जमा होने वाला, इस्लाम के लिए जमा हो जाओ, इस्लाम की तबलीग के लिए वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, कसरत से जो है ना अल्लाह का जिक्र करो। कसरत से जिक्र से मुराद क्या है, इस्लाम को पहुंचाने में कोई कमी पेशी ना हो, दुश्मनान इस्लाम तक इस्लाम का पैगाम दो, दीन की दावत दो, इसके लिए मुबल्लिगह इस्लाम बन जाओ, वक्फ कर दो अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए। और यही बात अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदउना इलल खैर, एक ग्रोथ में ऐसा होना चाहिए जो दाइये इस्लाम का काम करे, इस्लाम की दावत दे, और ये काम को छोड़ने की वजह से ही आज दुनिया में मुसलमान हैरान और परेशान है। कुरान समझ में नहीं आ रहा उनको, क्यों समझ में नहीं आ रहा कि सहाबा इकराम मैदानों में जाते थे कुरान लेकर और ये मस्जिदों में बैठे हुए, सहाबा इकराम मैदान में जाकर दुआ करते थे फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ अल्लाह हमें काफिर कौम पर फता दे, और ये जो है ना मुसल्लम पे मेहराब में बैठकर दुआ कर रहे हैं फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो कुरान कैसे समझ में आता बताइए। ये किताब मैदान में जो है ना मदद करने वाली है, मैदान में कामयाब करने वाली है, मैदान से फरार है। आज इतने इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, आपस में जो है मुसलमान तफरीकेबाजी में पड़े हुए हैं, देड़ीट की मस्जिद में अपने मस्जिदें कब्जा करके बैठे हैं कि दूसरी जमात वाला आकर हमारी मस्जिद ना कब्जा करे, हमारे वाज बयान ना बंद करे, जबकि जो है काफिर इनके मस्जिदों को ढहाने के मंसूबे कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तू कल की फिक्र करना दां, ये नौबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, इतने बड़े जो है मंसूबे हैं, और मुसलमान आपस में जो है कुटिया में घूर फोड़ रहे हैं, आपस में फिरकेबाजी में तफरीकेबाजी में लगे हुए हैं। लाख अगर जो है ना आप समझाए बरेलवी को, कभी जो है ना देवबंदियों को तस्लीम करने की जो है ना उनके अंदर उतनी सख्त नहीं है। ये आपसी जो है इख्तलाफ इतने बढ़ गए, इतने बड़े कि काफिर भी जो है ना इनके नजर में उतने जो है इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के दुश्मन नहीं है जितना कि मुसलमान आपस में इस्लाम के दुश्मन है। ये समझ लिए, ऐसा तस्वर किया, और अब जब आफत जो है ना आके पड़ी है तो आप चीख रहे हैं कि हमारा मसीहा कौन है, हमें बचाने वाला कौन है।
हमारे इस फसाद से जो है हमको रोकने वाला कौन है। आज तलाश करें तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि कुरान पकड़ो, कुरान तुम्हारे हाथों में मौजूद है और तुम जाहिरा जो ना हुक्मरानों की जो है वो चापलूसी कर रहे हैं, उनकी जो है ना उनकी तरफ ना नजर जो है ना लगा टिपटिपी लगाए बैठे हुए हैं कि कोई जो है ना आसमान से उतरेगा हमको बचाएगा और कोई मददगार आएगा हमारा हाथ पकड़ेगा। अल्लाह आसमान से इस कलाम मजल्ला को कलाम कलाम इलाही को उतारा है, तुम्हारे हाथों में दिया है कुरान पाक को, इस पर अमल करने के लिए तैयार है। इसलिए अल्लाह मकबल यही फरमाए कि वो मुआज़्ज़िज़ से जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीख़े कुरान होकर कुरान से जब दूरी इख्तियार करें, कुरान के अहकाम को छोड़ दिए, मुसलमानों में तफरीक़े डालने लगे और मुसलमानों को जो है ना आपस में तशद्दुद लड़ाने लगे, तो उस वक्त जो है तुम्हारे अंदर से रूह निकल गई। अगर रूह पैदा करना है तो इस रूहानी किताब के जो ना पैगाम को लेकर मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, इन इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। आदमी के अंदर जो है जैसे हजरत साहब कुतुबुल आलम फरमाते हैं कि घर में बीवी बच्चों से लड़ते बैठने वाला उन्हें मैदान में काम नहीं कर सकता। जो शेर हंडी बर्तन बना हुआ है, घर में जोर से लड़ रहा, कभी बच्चों से लड़ रहा, कभी आपस में जो है ना झगड़े पैदा करते घर में बैठा हुआ है, तो वो क्या मैदान में काम करेगा जाके। मैदान में काम करने वाले को घर में लड़ने की फुर्सत नहीं होती। मैदान मर्द का ये काम है कि मैदान में जाकर काम करें, मैदान में जाकर मेहनत करें, तो बीवी बच्चे खुश रहेंगे। इसी तरह मुसलमानों की जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला दिया है कि वकुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उखरिजत लिन्नास से अक्वाम आलम को राह बताना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज उस जिम्मेदारी को छोड़ दिए और ये मुसीबतें जो है सिर्फ जो है ना इस जिम्मेदारी को छोड़ने की वजह से है। बीवी की जिम्मेदारी समझ में आती है, पैसों की जिम्मेदारी समझ में आती है, कारोबार की जिम्मेदारी समझ में आती है, खेत बाड़ी की जिम्मेदारी समझ में आती है, नौकरी की जिम्मेदारी समझ में आती है, और अल्लाह सबसे बड़ी जिम्मेदारी देकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करते थे, तमन्ना अंबिया ने की मकाम ऐसा मिला मुझको, गुलामान मोहम्मद में से है नामो नशा मेरा। हम गुलाम मोहम्मद हैं इस पर जो है ना फख्र करने वाले नहीं है, कुरान हमारे हाथ में है हम इस पर फख्र करने वाले नहीं है, बल्कि जाहिरा दौलतमंदों पर, जाहिरा हुक्मरानों पर टिपटी भी लगा के बैठे हुए। क्या ये जो है ना बचाने वाले हैं? वो कुछ जो है ना बचने का उनका कोई जो है ना बेस नहीं है, तुमको क्या बचाते हैं? इसलिए हमारा जो है ना हामी और नासिर और मददगार अल्लाह है, कुरान करीम को हमारे हाथ में दिया है, इस कुरान के अहकाम को पकड़ो, इस कुरान के पैगाम पर चलो। कुरान सब कुछ जो है ना जोड़ने की बात कर रहा है, तमाम जो है ना फिरके वालों के पास एक ही अल्लाह का कलाम है। ये इस कलाम को रखने की बरकत से कम एक दूसरे को अपना भाई कहो। कलमा अल्लाह, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन قال لا اله الا الله فدخل الجنه, जो لا اله الا الله पढ़ने वाला है वो जन्नती है। कलमा पढ़ने वाला हमारा भाई है, चाहे वह किसी फिरके में हो और किसी मुल्क में हो। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफा भी है। बाजू तेरा जो है तौहीद की कुव्वत से कभी, अल्लाह को मानने की वजह से हम कभी हैं, और जो है जब तुम मुस्तफी भी है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगेबान है, तो तुम्हारा ये मुल्क वो मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना ये नहीं है कि मुसलमानों का जो है तमाम दुनिया के इंसान तमाम दुनिया के मुसलमानों को अपने गले से लगाना है। ये जो है मुसलमानों के अंदर औसत पैदा होना चाहिए, और जो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम को ना समझकर जो लोग जो है इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं उनको समझाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से रफू चक्कर होकर, इस जिम्मेदारी को पसे पुष्ट डालकर कामयाबी की जो है ना कली ढूंढ रहे हैं, तो वो ऐसे ही है कि जैसे जो है अंधेरे में जो है रोशनी रोशनी को तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए के बात असिमु बिहब्लिल्लाह, और ये हब्लिल्लाह एक तो कुरान करीम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे कुरान का निचोड़, पूरे कुरान का जामे कलमा, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, रस्सी के दो बल होते हैं, ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल। इस दो बल की यानी इस रस्सी को अगर जो मजबूती से, कलमे तैयबा को अगर मजबूती से पकड़े और कलमा पढ़ने वाले को अपना भाई समझ कर अपने गले से लगाए, तो कोई जो है ना इख्तलाफ नहीं करते आपस में। मुसलमान जो है वो बहुत बड़ी जो है ना ताकत, रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल जो है ना पावर, रूहानी ताकत जो है मुसलमानों के अंदर पैदा हो सकती है, कि मुसलमान बशर्त यह है कि सिर्फ कलमे की बुनियाद पर अपने आप एक दूसरे को अपना भाई समझे। इख्तलाफ अगर है तो इख्तलाफ को संजीदगी से समझना चाहिए। किसी भी जो है फिरके वाले के अंदर इस्लाम को बढ़ाने का अगर जज्बा है तो उसका एहतराम करें। फिरकों को खत्म नहीं किया जा सकता, याद
कभी जो है ना फिरके खत्म हुए, आप जो है सिकंदर ज़िलकरनैन की तलवार भी लेकर सामने फिरके वाले को अगर अपने फिरके में लाकर जम करने की कोशिश करेंगे तो गर्दनें कटा देंगे, लेकिन फिरके जो है ना कभी खत्म होने वाले नहीं है। फिरकों को मिलाया जा सकता है, फिरकों को मिलाने के लिए बुनियादी जो है, बुनियादी जो नुक्ता है वो कुरान करीम है, अल्लाह का कलाम है। इस कुरान को सामने रखो और अपने ख्यालात को जो है ना आप पास से पुश डाल दो, सारे मुसलमान मुत्तहिद होते हैं। और उनके काम सामने एक काम रखो कि हम जो है जो दुनिया की जो जुल्मत है, दुनिया में जो कुफ्र भरा हुआ है, दुनिया में जो बुतपरस्ती जो है ना भरी हुई है, हम जो है ना उसको पाक करने के लिए अल्लाह हमको खड़ा किया है, खैर उम्मत बनाया है, हमारी जिम्मेदारी को समझो। अगर कारोबार करने वाले, तिजारत करने वाले हैं तो तिजारत करें और इस तिजारत के नफे से इस्लाम की मदद करें, इस्लाम के दाइयों की मदद करें, इस्लाम के फैलाने वालों की मदद करें। और जो इल्म वाले हैं, जानने वाले हैं, वो अपनी जिंदगी को वक्फ करें, इस्लाम की सदाकत को, पैगाम को पहुंचाने के लिए मैदान में निकल आए। मस्जिदों में जो है ना कैद करके ना रखें इस्लाम को, गैर मुसलमान में जाए। आज हजारों गैर मुसलमान, खासकर हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू है, वो इस्लाम की तलाश में है, इस्लाम की सही सदाकत को जानना चाहते हैं, कोई बताने वाला नहीं है, इस्लाम की रूह को समझाने वाला नहीं है। इस वजह से जो लोग भड़काते हैं इस्लाम के खिलाफ, उनके प्रोपेगेंडे में आके बहुत से फसादात हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं। हिंदू दो कौमी नजरिए की वजह से आपस में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। मुसलमान अपनी मस्जिद से उठकर मंदिरों में जाना नहीं चाहते, मंदिरों को जाकर वहां के जिम्मेदारों को समझाना नहीं चाहते, उनको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाना नहीं चाहते, तो उनके दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है बताइए। उल्फत जो है दो तरफा होती है, उनके बुजुर्गों को बुरा कहेंगे और जो है उनको इस्लाम का पैगाम नहीं सुनाएंगे और उनसे नफरत करने लगेंगे, कैसे मोहब्बत पैदा हो सकती है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अवतार, ऋषि, मुनि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा जो है तारीफ किए हैं, आपके पैगाम को जो है ना कबूल किया, आपके पैगाम को अपनाए हैं, कई जो है ना बुजुर्गान दीन है, कई जो है ना बुजुर्ग यहाँ के अहले हनूद के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उनकी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लाम की तारीफ उनकी किताबों में लिखी हुई है। लेकिन जो है मुसलमान सिर्फ अपने दायरे में चक्कर लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपस में लड़के मर रहे हैं कि हमारा फिरका बड़ा हो जाए, हमारा फिरका बड़ा हो जाए। तो ये अल्लाह ताला फरमा के तफरीका मत डालो इस्लाम में। सहाबा इकराम हर एक के अंदर इस्लाम को बढ़ाने का जज्बा था, इस्लाम को घटाने का जज्बा था। आज भी फिरकों के अंदर बहुत बड़ी खूबी यह है कि हर कोई, हर फिरके वाला इस्लाम से मोहब्बत करता है, गो कि वो आपसे मोहब्बत ना करे, आपके बुजुर्ग को ना माने, लेकिन जो है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, सहाबा को मानता है और अल्लाह की किताब को जो है ना तस्लीम करता है। सिर्फ ये देखो एक मरतबा हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग से जो है इख्तलाफ रखते थे और जो है इख्तलाफ की वजह से वो बातचीत तर्क कर दिए थे, कलाम जो है ना तर्क कर दिए थे। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बशारत में आकर कहते हैं कि बाजिद बाजिद के फला शख्स से तू जो है ना बात नहीं करता, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे मुर्शद को नहीं मानता। तो अल्लाह पाक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो मुझे तो मानता है, तेरे मुर्शद को नहीं मानता होगा, मुझे तो मानता है, कि मुझे मानने वाला कैसे जो है ना तेरा दुश्मन हो सकता है? तो आज जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने इसकी कोई वक्त नहीं है लोगों के पास, मेरे फिरके के बानी को मानता है या नहीं। ये जो इस्लाम का टेस्ट जो है, हम अपने फिरके को बानी को बनाकर जो है ना इसको इस्लाम का टेस्ट करना चाहते हैं, इसको मुसलमान साबित करना चाहते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, शिराजा हुआ उम्मत मरहूम का अवतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबा किधर जाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला आपकी नजर में मुसलमान नहीं है कि आपके फिरके के बानी को माने तभी मुसलमान है, जबकि आपके फिरके के बानी थे ना, आपका फिरका था उस वक्त भी जो ना इस्लाम था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने ईमान ला इस्लाम कबूल किया, उससे पहले कोई जो है ना वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला वो मुसलमान। साहबा में भी अगर कोई इख्तलाफ जो है इख्तलाफ रखता है तो इख्तलाफ रखना एक जो है गुनाह की बात है, इख्तलाफ रखने वाला जो है वो सही इस्लाम की रूह को नहीं समझ सकता, ये बात अलग है। साहबा से भी अगर इख्तलाफ रखे तो वो रूहानी तरक्की नहीं करेगा, लेकिन मुसलमान तो जरूर है, क्योंकि मुसलमान की इस्लाम की जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसमें कोई जो है ना दूसरा ऐड नहीं है।
तो आज जो ऐड कर रहे हैं, आज जो फिरके के लोग अपने फिरके के बानी को मनवा कर जो है कि जाए तो मुसलमान है सुन्नी है या नहीं, मुसलमान है देवबंदी है या नहीं, किसी मस्जिद में अगर जाए वहां पर आप ये कहे कि मैं मुसलमान हूं तो कोई आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये पूछेंगे, फिरका पूछेंगे, भाई सुन्नी मुसलमान तो है आप मगर सुन्नी है क्या, देवबंदी है क्या, बरेलवी है क्या? ये जो है नहीं, कलमा पढ़ने के बावजूद भी इनका जो है ना अपना फिरका जो इस्लाम के अंदर जो है जो दाखिल कर दिए, जिसकी वजह से इख्तलाफ जो है ना बहुत खतरनाक हो गए। इन चीजों को निकाल कर सिर्फ कलमे तैयबा की बुनियाद को अगर कोई अगर कहे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मानने वाला, बस खत्म है। लोग ये कहते हैं कि भाई जबान से बोल रहा है, तो आप जो दिल से बोल रहे हैं उसका क्या सबूत है? जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, आप क्या अपना दिल चीर कर दिखा सकते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जो है ना मेरे अंदर इतना भरा हुआ है? कोई जो है ना थर्मामीटर नहीं है आपके इश्क को नापने का। हाँ, अगर कोई दो रकात सुन्नत नमाज पढ़ रहा है या फर्ज पढ़ रहा है तो वो पूरा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा आप देख सकते हैं। फजर की जो है ना जो दो रकात नमाज है, फर्ज नमाज है, तो वो नमाज का जो है ना जाहरा आप जो है ना उसको सर्च कर सकते हैं, जाहरा देख सकते हैं, लेकिन बातिन को कैसे आप जो है ना तस्लीम करेंगे, कैसे देखेंगे? तो इसके लिए सिर्फ जो है ना उसका इकरार काफी है। उसकी जुबान से अगर वो कहे कि मैं मुसलमान हूं तो बस आपको जो है ना तस्लीम करना है। और दुनिया की हर हुकूमत आपको जो है आपकी जुबान पर जो है ना आपके मजहब को तस्लीम करती है। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पर आप अगर कह दे कि मैं मुसलमान हूं, आप लिख दे अपने जो है ना नेशन में, अपने कार्ड में, या अपने जो है ना मुसलमान के खाने में, तो आपको सारी जो है ना हुकूमत जो है ना आपको मुसलमान तस्लीम करती है, चाहे कोई कितने जो है ना कुफर के फतवे दे। कितनी साफ बात, इस्लाम यानी इंसान खुद जो है ना जो इकरार कर रहा है उसकी अहमियत होती है। तो यहाँ पर आप जो ना हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और जो ना दाढ़ी मतशर्रा जो ना लिबास है, हाफिज कुरान, उसके बावजूद भी जो सामने वाला फिरका आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, कितनी जो है ना तंग नजरी है। तो इस वजह से जो है बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई दिल से जो ना कलमा नहीं पढ़ते, दिल से कलमा पढ़ा तो ही मुसलमान है। कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, कुरान की आयत है, इस पर किसी जो ना बड़े से बड़े मुफ्ती का फतवा नहीं हो सकता। चंद जो है ना अराबी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वकालतिल अरब आमन्ना, चंद जो है ना देहाती लोग इस्लाम की फतह होने के बाद, इस्लाम जो है ना जब जब गालिब आया उस वक्त बहुत से लोग रेवड़ की जो रेवड़ जो है ना इस्लाम में दाखिल हुए। इजा जा नसरुल्लाह वल फतह रायत अन्नास, इजा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आई, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए, तो उस वक्त जो है ना देहाती लोग कहने लगे कि जो लोग नए नए थे इस्लाम में कि हम मोमिन हो गए। वकालतिल अरब आमन्ना, कि हम ईमान वाले हो गए, मोमिन हो गए। तो कुरान करीम कहता है कुल, अल्लाह के रसूल कह दीजिए कुल लम तुमिनू, कि तुम मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, मगर तुम ये कहो कि हम मुसलमान हुए। मोमिन जो है अल्लाह ताला फरमा कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम ये कहो कि हम मुसलमान हुए। जो दाखिल इस्लाम, इस्लाम में जो इंटर हुआ उसको मुसलमान कहो। वलम यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ। जिनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि तुम जो है अपने आप को मुसलमान कहो। कुलू अस्लमना, कहो कि हम मुसलमान हैं। और यहां पर फतवेबाजी है, फतवे देने वाले कह रहे हैं कि उसके दिल में ईमान नहीं है लिहाजा वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि उसके दिल में ईमान नहीं है लेकिन वो मुसलमान है। यह कुरान का फतवा है, कुरान की आयत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि दिल में ईमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। तो कुरान से भी हमारा फतवा बढ़ गया। तो कुरान को जो है ना बुनियाद बनाओ। इस्लाम में जो दाखिल अपने आप को जो दाखिल है इस्लाम समझता है कि उसको अपना भाई समझे, अगर वो गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है, तौहीन रिसालत कर रहा है, तो अल्लाह जो है ना उसको गुनाह की जो ना सजा बराबर जो है ना अल्लाह देने वाला है। अल्लाह की पकड़ से कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे पास जो है ना क्या मियार है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुस्ताख है और जो है ना इस्लाम का गुस्ताख है। हर कोई, हर फिरके वाले एक दूसरे को ऐसा ही समझ रहे हैं, एक दूसरे को जो है कुरान के गुस्ताख कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख कर रहे हैं। कई जो है ना इबारतें औलिया अल्लाह के बुजुर्गान दीन की निकाल निकाल कर बताते हैं कि देखो औलिया अल्लाह के ऐसे ऐसे अखवाल है, आदमी जो है ना मुतज़लज़ल हो जाता है इन रिवायतों के, इन बातों को अगर सामने रखा जाए। तो इसलिए हम जो है, जो आदमी अपने आप को मुसलमान समझता है, जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती समझता है, अल्लाह को जो है ना वाहदहू ला शरीक मानता है, तो इस बुनियाद पर
एक हो जाओ और इस्लाम की जो इख्तलाफी बातें हैं उसको बाला ताख रखो, क्योंकि बाद मसाइल जो इख्तलाफी होती हैं उसको बैठ कर जो ना हल किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों का अकीदा है, बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों का कल्चर है, इसको जो है कुरान और अहादीस की रोशनी में कि इनको जो है जो कुरान करीम को अपनी किताब समझता है इनको देखते हुए उनको जो है अपना भाई तस्लीम करे। तो बहरहाल बहुत यहाँ पर अल्लाह ताला दलाल बयान फरमा रहा है कि जबकि वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमी वला तफरुकु तफरीका मत दारु वज़कुरु नेमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, इस्लाम के आने से पहले ऐसे ही दुश्मन थे। एक बात इंशाल्लाह ताला अगले दर्स में इसको जो है ना कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं यहाँ पर वाजे कर दूं कि वज़कुरु नेमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, इस्लाम के आने से पहले तुम एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन थे, अल्लाह की मोहब्बत ने तुमको एक किया, किसी फिरके की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत ने तुमको अल्लाह बैन कुलूबिकुम, अल्लाह ने उल्फत डाली तुम्हारे दिलों में, अल्लाह की मोहब्बत से तुम जो है आपस में भाई भाई बने। बिनेमत इख्वान, वो नेमत क्या है? नेमत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस है। अल्लाह जो है ऐसी नेमत को हमारे दरमियान भेजा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका को, जिनकी वजह से दुनिया के अंदर इत्तेहाद कायम हुआ, अमन कायम हुआ, भाईचारा कायम हुआ, जात पात के झगड़े मिटे, गुलामी की जो है ना जंजीरों से आजाद हुए, इंसानों को इंसानियत का दस सबक मिला। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले हम जो है ना एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन थे। तो अब अल्लाह ताला ये बात बता रहा है कि जब कुरान नहीं था, इस्लाम नहीं था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद नहीं था, उस वक्त जो है ना खतरनाक ऐसे दुश्मनी थे, ऐसे दुश्मन थे कि गर्दनें जो है गाजर भूली की तरह काट देते थे। ऐसे दुश्मनों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए से, यह इस्लाम के मुबारक पैगाम के जरिए से, एक खुदा को मानने वाले नहीं थे, एक मजहब के रहने वाले नहीं थे, एक कल्चर उनके पास नहीं था, एक जुबान जो है ना उनके पास नहीं थी, ऐसे सारे भेदों को मिटाकर तमाम जो है ना देवी देवता के मानने वालों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई भाई बना दिए इस कुरान से। आज तुम नहीं कर सकते ये काम, काफिरों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है ना जान बनाकर एक दायरे में खड़ा करके भाई भाई कंधे से कंधा लगाने वाला बनाए, और तुम कलमा पढ़ने वाले, सीरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले, नमाजें अदा करने वाले, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या जो ना ऐसी बीमारी, ऐसा जहर आ गया है जो आपस में एक दूसरे के इतने सख्त दुश्मन हो? सब जो इस्लाम से अल्लाह के रसूल से दुश्मनी करने वाले से उतनी जो ना दुश्मनी नहीं रखते जो अपने आपस से जो ना भाइयों से इतनी खतरनाक दुश्मनी रखते हो? वो कुरान जो है दुनिया के इख्तलाफात को मिटा दिया, क्या मुसलमानों के इख्तलाफ को मिटा नहीं सकता? आपसी तफरीकाबाजी को खत्म नहीं कर सकता? जरूर जो है ना खत्म करता है, लेकिन हम कुरान के अहकाम पर चलना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, फिरकेबाजी को मिटाना नहीं चाहते, अपने बानियों को जो है ना मनवाना नहीं छोड़ते। कोई बानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं होता, याद रखो। हर बानी हुजूर का कलमा पढ़कर ही मुसलमान है, उसकी हुज्जत किसी मुसलमान पर नहीं हो सकती, सिर्फ हुज्जत अल्लाह उसके रसूल की हुज्जत है सारी इंसानियत पर, सारी दुनिया पर। इसको अगर हम जो है नमूना बना लें और ये हमारा बुनियादी काम अगर हम जो है लेकर मैदान में उठें तो सारी दुनिया पर मुसलमान गालिब हैं, सारी दुनिया मुसलमानों के कदमों के नीचे आने वाले, कदमों पे आने वाली है, कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। तो बहरहाल जो है इसी की जरूरत है, अल्लाह ताला यही बात बयान फरमाए कि वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहऊना अनिल मुनकर। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस्लाम की सही मानों में खिदमत करने की तौफीक अता करे, आपसी अख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए अल्लाह उसके रसूल को मनवाने के लिए मुसलमान इकट्ठा हो, मैदान में आगे बढ़े, और मुसलमानों की जो आपसी जो है ना रंजिशें हैं उसको मिटाने के लिए इस कुरान को रहमत जानकर, यही अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमाया, वनुनज़्ज़िल मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाया कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बना के नाजिल किया है, ये रहमत है। लेकिन आज कुरान पढ़ने वाले कोई जो है कोई मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं, जहमत जो है ना बना के बैठे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस जो है ना जहालत को मुसलमानों के दिल और दिमाग से निकाले और आपस में मुत्तहिद हो और इस्लाम के काम के लिए मैदान में आगे बढ़े। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन करीमुन मलिकुन बर्रहमानुन रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन। अलहम्दुलिल्लाह।